तो ध्यान, हमने अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, दो पढ़े थे, एक पढ़ा था एक्सिस, एक्सिस की फॉर्मूला थी ई इज इक्वल टू 2 kp/r³ मैग्नीट्यूड में, और बायर सेक्टर की फॉर्मूला क्या थी, kp/r³। अभी जो है वो थियोरी नहीं है, लेकिन JEE और नीट का एक टॉपिक है, और JEE एंड नीट, कि अगर जो डायपोल है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक ऐसे पॉइंट पे जो सेंटर से किसी एंगल पे हो, सेंटर से किसी एंगल पे हो। हमने जो ये दोनों फाइंड किए, एक्सिस जो था वो 0 एंगल पे था और बाय सेक्टर में जो एंगल था वो 90 था, याद है? क्योंकि यस सर, सीधा मतलब 90, ऐसे मतलब 0। यहाँ पे है थीटा, थीटा मतलब ना एक्सिस ना बाय सेक्टर, बीच में कहीं हो। सिंपल बात है, अगर बीच में कहीं होगा तो इसके मिलेंगे दो कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट मिलेगा और एक ऐसा मिलेगा, मतलब एक कंपोनेंट मिलेगा एक्सिस में और एक कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, बाय सेक्टर में। तो एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और बाय सेक्टर के लिए, साइन थीटा। लेकिन 2 नहीं आएगा उसमें, पता है क्यों? एवरीवन हाँ नोज यस यस सर, सर, द रिजल्टेंट यस सर, ऐसा रिजल्ट आएगा, पता चला ये? यस सर, हाँ सर, परपेंडिकुलर, इसलिए एक्सिस की वैल्यू डालेंगे, तो सबको समझ में आया ये? यस यस। सर, kp/r³ कॉमन, समझा क्या बचेगा? पहले बड़ी बात, यस सर, फोर कॉस को ले सकते हैं, 3 cos² + cos² प्लस साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? वन वन। वन तो ये हो जाएगी तुम्हारे रिजल्टेंट की फॉर्मूला। आई बात समझ बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? यस सर, और ये कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन इसीलिए जैसे कि एक्सिस के लिए एंगल क्या था, 0 था, जीरो, यहां 0 डाल के देखो थीटा में, देखो क्या वैल्यू आती है, कॉस केपी जीरो बाय होता आर है, क्यूब, टू के पी बाय क्यूब, कॉस 0 होता है 1, 1 × 3 3 प्लस 1 थ्री, 4, 4 का रूट क्या होगा, टू तो आ जाएगा टू बाय के पी क्यूब। अब थीटा 90 डाल के देखो, कॉस 90 क्या होता है, थीटा जीरो, जीरो केपी टू बाय जीरो क्यूब। जीरो तो बचा 1, तो आंसर आएगा kp/r³। पहले बड़ी बात है, यस सर, यस सर, बड़ी।
चलो लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट। ये YCW में लिखना है कि JEE NEET की? आप JEE NEET में अलग से लिख दो, या इसमें भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, थियोरेटिकल टॉपिक है, मतलब बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ये।